हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित एक आज नए वीडियो के साथ। आज हमारे पास कुछ नए बिनोकुलर्स आए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करता चलूं, बताता चलूं। बेसिकली ये आप देख रहे हैं, करीब पांच पीस हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला पहले वाला जो है कैमोफ्लाज कलर में है। मैं सबके पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बता दूँ, सबका डायमीटर जो लेंस का है, बायनोकुलर का जो साइज़ है, वो 50 मिलीमीटर का है। तो जब किसी भी बायनोकुलर की हम बात करते हैं, और अमूमन ऐसे बोलते हैं 10x50 या 7x35, तो उसका मतलब ये है कि 10x50 में 10x तो पॉपर हो गई और 50 mm उसका लेंस का डायमीटर हो गया। तो ये डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, निकॉन, सेलेस्ट्रॉन, ओलंपस, हॉक, वोटेक्स और ताकाहाशी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बनाते हैं बायनोकुलर्स। और सबसे पहला बात यह है कि हम अपनी अफोर्डेबिलिटी चेक करते हैं कि अफोर्डेबल बायनोकुलर्स हमारी रेंज में, 3-3.5 हज़ार की रेंज में बायनोकुलर है कि नहीं। बायनोकुलर्स के जो यूज़ेस हैं, आपको पता है, डिफरेंट वीडियोस में मैंने डिस्कस किए हैं। आपको पता है बायनोकुलर्स कहीं घूमने जाते हैं साइट सीइंग के लिए, हिल्स देखने हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए, सफारी पे, या मैच देखना है स्टेडियम में जाके, या इवन नाइट में आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है, कॉन्स्टेलेशंस देखनी है। अगर आप हिल स्टेशन पे हैं तो नाइट में भी मज़ा ले सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं। कॉन्स्टेलेशंस हैं, नेबुलाज हैं, कुछ स्टार क्लस्टर्स हैं जो आपकी पकड़ में आएंगे बायनोकुलर्स के, इवन गैलेक्सीज तक आएंगी। ये मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बायनोकुलर्स काफ़ी रेंज से बाहर होते हैं, खासकर जो ब्रांडेड बायनोकुलर्स हैं, रेंज से थोड़े से ऊपर हो जाते हैं कई बार बजट में, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिनको तो ब्रांड पसंद है उनको ब्रांड वाले दें बायनोकुलर्स, चाहे ओलंपस हो, चाहे निकॉन हो, सेलेस्ट्रॉन हो, हॉक हो, या दूसरे मॉडल्स हो, या आप कोई इम्पोर्ट कराना चाहते हो वो भी करा के देते हैं। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि बजट के अंदर 3-3.5 हज़ार के बजट में भी कुछ बायनोकुलर्स हों। तो आज मेरे पास ये सारे वही बायनोकुलर्स हैं, 10x50, या इसमें कुछ जूम वाले भी हैं। जूम वाले बायनोकुलर्स जब हम बात करें तो जूम का मतलब ये होता है कि अगर तो 10x50 है, उसमें फ़िक्स पावर है, फ़िक्स जूम है 10x, इससे ज़्यादा आप नहीं उसमें जूम एक्सट्रैक्ट कर सकते। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा 10-15 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, तो वो 10x ही पावर रहती है, 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आता है। इसी तरह से जो वेरिएबल जूम वाला बायनोकुलर होता है, जैसे 10-24, या निकॉन के अंदर एक आता है 10-22x50। तो जो निकॉन वाला आता है 10-22, उसका मतलब ये हुआ कि 10x से 22x पावर हुई, मतलब आप पावर बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब आप पावर बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट काफ़ी पास आ जाता है। तो मान लीजिए आपने दूर कोई बर्ड स्पॉट किया करीब 50 मीटर पे, या 40 मीटर पे, या 10-20 मीटर पे, और आप उसको पास से स्टडी करना चाहते हैं, उसकी बीक, उसके फेदर्स कितने डॉटेड हैं, स्पॉटेड हैं, या हाइना या चीता, तो आप जूम कर सकते हैं। जूम वाले बायनोकुलर्स में वो फंक्शन है। तो अगर निकॉन का है 10-22x50, जो बैक 4 प्रिज्म्स में आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, करीब 11,950 की रेंज में आता है, वो हमारे पास मिलता है। लेकिन क्योंकि ये बजट बायनोकुलर्स के ऊपर डिस्कशन है, तो मैंने कहा मैं इसी पे पहले वीडियो बनाऊं। दूसरी ऑप्शंस क्या हैं, अगर हमारी रेंज थोड़ी कम है, तो क्या सस्ते जूम वाले बायनोकुलर्स काम करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। ये मेरे हाथ में पहला पीस जो है, ये जूम वाला ही बायनोकुलर है, 10x से 24x इसकी पावर है, और आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा कैमोफ्लाज कलर में है ये, इसको कैमोफ्लाज कलर बोलते हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव लेंस है 50 मीटर डायमीटर में, कोटेड हैं, अच्छे फुली कोटेड हैं। इनफैक्ट मैं दोनों तरफ नज़र डालूं तो ग्रीनिश कोटिंग्स बड़ी अपेरेंट हैं। इसका मतलब ये मल्टी कोटेड बायनोकुलर्स हैं, तो जितनी कोटिंग अच्छी होती है उतनी लाइट ज़्यादा आती है, आईज पे रीच करती है, उतनी इमेज ज़्यादा ब्राइट होती है, और जितनी रिफ्लेक्ट होती है लाइट, इसका मतलब कोटिंग्स हल्की हैं। तो इसमें ये मल्टी कोटेड बायनोकुलर्स हैं, फुली मल्टी कोटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मल्टी कोटेड हैं। और नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं इनसे, मेरे ख्याल 5 या 6 मीटर तक आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी देखा 6 मीटर तक, आप 6-7 मीटर तक आप इससे कर सकते हैं एक 10x50 बायनोकुलर से। लेकिन क्योंकि ये जूम वाला है, तो उसका फोकसिंग डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरे ख्याल 8 या 9 मीटर के आसपास है, और 10x से 24x पावर आप इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो करीब 4,500 का हम बेचते हैं, लेकिन क्योंकि अभी सेल है तो हम 4,000 का, इंक्लूडिंग शिपिंग टू ऑल ओवर इंडिया, यस, टू गुड टू बी ट्रू प्राइस, 4,000 का ये बायनोकुलर ऑल ओवर इंडिया आपको
मिलता है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बताता चलूँ, 10 से 24 एक्स पावर है, तो इसका मतलब आप 10x, 12x, 18x, 16x जो भी है आप उसे वो पावर ले सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे लीवर है जिससे आप पावर बढ़ा घटा सकते हैं। तो अगर आप देखें क्लोजली तो ये पावर के सिंबल बने हुए हैं और ये डॉट है, तो आप किसी भी पावर पे ये 10 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर आप आगे बढ़ाते गए तो इंक्रीमेंट है ये करीब 4x मैग्नीफिकेशन बढ़ती जाती है, तो एंड में आप 24 पे पहुँचते हैं। अब ऑब्वियसली जो 10x पे आप इमेज देखते हैं वो शेक नहीं करती, क्योंकि हमारे हैंड्स कुदरती जो बने हैं हम ऐसे होल्ड करते हैं, तो वो करीब 10x या 12x तक मैक्सिमम हम पावर सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हैंड्स हमारे इतने स्टेबल नहीं होते जितने कि ट्राईपॉड। तो अगर आपको लगता है कि हैंड्स आपके शेक कर रहे हैं, ये इमेज शेक कर रही है क्योंकि हैंड्स इतने स्टेबल नहीं है और एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए, तो ये बायनोकुलर्स माउंट भी किए जा सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस पर एक सैम्पल ट्राईपॉड अडेप्टर लगाया है, आप ये देख रहे हैं एल शेप ट्राईपॉड अडेप्टर, तो ये इजीली आपके यहाँ पे ऐसे ये लग जाते हैं किसी भी ट्राईपॉड पे। इसमें ये नीचे दो होल्स हैं, स्टैंडर्ड थ्रेडिंग है, तो कोई भी ट्राईपॉड की जो प्लेट है वो उसके नीचे ऐसे लग जाती है। ये अलग से हमारे पास आपको 450 में मिलेगा, मेटल बॉडी में है, ऑनलाइन करीब 1000 का मिलता है, हमारे पास 450 का पड़ेगा ये मेटल ट्राईपॉड अडेप्टर एल शेप। तो ये बायनोकुलर जो 4.5 का अमूमन बिकता है, करीब 4 का ऑल ओवर इंडिया आपसे आपको शिप होगा, 10 से 24 एक्स पावर है, 50mm का ऑब्जेक्टिव है, मल्टी कोटेड है, BK7 प्रिज्म्स में है और एक अच्छा बायनोकुलर है, टेस्टेड बायनोकुलर है, कोई डबल विजन का कोई वो नहीं है, और अच्छे से हम पैक करके भेजते हैं, स्टफ़ करके, बबल रैप करके, अच्छे से इसको करके बाई एयर हम आपको शिप करते हैं 4000 कॉस्ट में। अडेप्टर साथ में नहीं, अडेप्टर की प्राइस डिफरेंट है, अडेप्टर अगर आपको लेना है मुझे बता सकते हैं। सेकेंड बायनोकुलर में चलें, ये भी जूम में है, ये भी 10-24x जूम में है, क्वालिटी दोनों की लगभग सेम ही है, सेम स्पेसिफिकेशंस है, 10 से 24x पावर इसके अंदर भी है, 50mm डायमीटर है। तो अगर आप फॉरेस्ट में हैं या हिल्स में हैं और आप दूर की चीज़ 10x पे फोकस करते हैं और 24x जूम आपके पास है तो वो ऑब्जेक्ट आप पास बुला सकते हैं। ये अमूमन जो है करीब 4000 के आसपास इसकी वैल्यू है, ऑनलाइन भी अगर आप चेक करेंगे तो 4.5-5000 के आसपास बिकता है। हमारे यहाँ शॉप में वॉक इन प्राइस नॉर्मली 4 रहती है, लेकिन क्योंकि हमें क्लोजिंग है तो हम थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में निकाल रहे हैं, तो ये आपको 3600 का ऑल ओवर इंडिया शिप होगा। जी हाँ, 3600 में जूम वाला बायनोकुलर 10-24x50 आपको शिप होगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा इस वीडियो के एंड में कि इनकी क्या प्राइसेज हैं इंक्लूडिंग शिपिंग। जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जब मैं शिप करता हूँ तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको सेकंड डे मिल जाएगा, अगर आप रिमोट एरिया में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 दिन लग सकते हैं। अगर आप मेट्रो एरियाज़ में हैं तो अमूमन सेकंड या थर्ड डे को आपको बायनोकुलर मिल जाता है। हाँ, अगर आप एक्सप्रेस शिपिंग के पेमेंट करते हैं अलग से, क्योंकि उसमें कॉस्ट काफ़ी आती है, इतने बायनोकुलर की एक्सप्रेस शिपिंग में करीब नेक्स्ट डे जो आप अगर चाहते हैं तो वो 700-800 रुपये उसका खर्चा आता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेबल होगा अगर आपको एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए। लेकिन नॉर्मल शिपिंग में बाई एयर आपके पास आ जाता है दूसरे से तीसरे दिन, अगर आप मेट्रो में हैं और नोन एरिया में हैं, अगर थोड़े रिमोट में हैं तो 4-5 दिन 6 दिन लग सकते हैं बाई एयर। आगे चलें, ये थर्ड मेरे पास 10x50 बायनोकुलर है, कैमोफ्लैज कलर में है, बढ़िया पीस है, 10x पावर है, फिक्स पावर है, जो हमने पहले दो देखे वो जूम वाले थे लेकिन ये फिक्स पावर में है, 50mm वही लेंस का साइज़ है, मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स हैं, BK7 ग्लास है। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ट्राईपॉड का यूज़ नहीं चाहते और सिर्फ हैंड्स होल्डेबल चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। ये कैमोफ्लाज कलर में है, नॉर्मली 4000 का बिकता है, लेकिन क्योंकि सेल का टाइम है तो हम स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, ये आपको 3600 रुपये का घर बैठे आपको डोर डिलीवरी मिलती है। मेरा पेटीएम नंबर 9899212222 है, आप उसमें जमा करा सकते हैं, अकाउंट डिटेल्स भी मंगवा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप को कोई बायनोकुलर अगर पसंद है तो वीडियो रोक के उसकी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि ये वाला बायनोकुलर हमें चाहिए, आपने ये प्राइस बताई थी, मैं आपको ग्लैडली सेम डे शिप कर दूंगा अगर 2 बजे तक पेमेंट आती है। तो ये 10x50 कैमोफ्लाज कलर में है, अमूमन 4000 का बिकता है, आपको 3600 की प्राइस में कहीं भी बैठे आप डिलीवरी पाइए। आगे चलें, इसी में ये ब्लैक कलर है मेरे पास, जो करीब 3500 का वॉक इन प्राइस ये शॉप से हम बेचते हैं, ऑनलाइन इसकी करीब
4,500-5,000 के आसपास कीमत रहती है, लेकिन आपको हमारे पास ये मिलेगा 3200 रुपये का। जी हाँ, मात्र 3200 रुपये का ये बायनोकुलर आपको मिलेगा। 10x50x इसकी पावर है और ये सारे बायनोकुलर्स चेक्ड हैं, तो कोई इसमें डबल विजन नहीं है, कोई हेडेक नहीं, कोई कुछ नहीं है। इससे हल्की रेंज के भी बायनोकुलर आते हैं जो हम नहीं रखते अपनी शॉप पे, वो आपको ऑनलाइन मिलते हैं 1,000-1,500 के। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर नॉन ब्रांडेड हैं और तो इतने एक्सपेंसिव हैं या क्या 3,000 के ऊपर रीच करते हैं, टच करते हैं, वो सारी क्वालिटी के ऊपर है। अगर आप जैसे दाम पे करेंगे वैसी ही क्वालिटी मिलेगी। अगर 1,000 या 1,500 रुपये में आप बायनोकुलर चाह रहे हैं तो ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, फिर वो हल्की क्वालिटी मिलेगी या फिर वो छोटे बायनोकुलर्स मिलेंगे। तो प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, आप कंपेयर कीजिए फिर हमें आप बताइए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम शिप करेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया 3200 रुपये में 10x50 ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। कलर रंग का थोड़ा फ़र्क है, कैमोफ्लाज वाले थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं हमें, तो ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। ये आपको 3200 रुपये में 10x50 ऑल ओवर इंडिया मिलता है। लास्ट बायनोकुलर में अगर मैं जाऊँ, ये बेसिकली मेरीन या जो बोट या शिप पे रहते हैं या मिलिट्री वाले वो यूज़ करते हैं। अमूमन इसमें 7x50 या 10x50 पावर आती है। ये भी करीब 8x के आसपास इसकी पावर है। येलो कलर में है, रेटिकल फाइंडर वाला और कॉम्पास, इनबिल्ट कॉम्पास है इसमें, और इसमें बैटरी भी इसमें लगती है, तो आप इसको नाइट में भी रीडिंग ले सकते हैं। इसमें MIL बेसिस पे आप डिस्टेंस नाप सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता है और उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उसका एक तरीका है नापने का, और वो मैं सेपरेटली डिटेल में अलग वीडियो में कवर करूँगा। जो खूबी है इस बायनोकुलर की, बिसाइड्स रेटिकल फाइंडर जो डिस्टेंस जिससे आप अप्रॉक्सीमेटली मेजर कर सकते हैं अगर आप बोट पे हैं या वैसे फील्ड में हैं सामने का, दूसरा कंपास भी है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये बैक फोर प्रिज्म्स में है। बाकी जो बायनोकुलर्स हमने देखे वो सारे BK7 में थे। बैक फोर प्रिज्म थोड़ा प्रीमियम ग्लास होता है, टॉप की कंपनीज उसको यूज़ करती हैं, निकॉन कंपनी यूज़ करती है, ओलंपस और सेलेस्ट्रॉन अपनी स्टार्टिंग रेंज में नहीं यूज़ करते, वो BK7 ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये बायनोकुलर बैक फोर प्रिज्म में है। इसकी खूबी ये भी ये है कि बैक फोर प्रिज्म्स के साथ साथ इसमें इंडिविजुअल आईपीस एडजस्टमेंट है, तो लेफ्ट और राइट आई की आपकी अलग अगर साइट है तो एक बार आपने फोकस कर दिया तो चाहे आप पास की चीज़ देखें 10-15 मीटर या आप 1 किलोमीटर बाद देखें या इन्फिनिटी तक देखें, आपको फोकस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सेट है। अनलेस कि नई आईज उसको देखें या नया बंदा कोई उसको देखे, नया शख्स कोई उसको देखे, तो उसको अपनी आई के हिसाब से दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सेट हो गया तो आप भूल जाइए, उसके बाद आपको चाहे पास का डिस्टेंस देखना है 50 मीटर चाहे 50 किलोमीटर देखना है, उसमें आपको फोकस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैक फोर प्रिज्म में है, फुली वाटरप्रूफ है, ये नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिल्ड है। अमूमन 11-12 हज़ार की इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग है, हमारे पास ये 8,500 का आपको मिलेगा ऑनलाइन, सॉरी 8,500 का हमारे से मिलेगा आपको इंक्लूडिंग शिपिंग टू योर प्लेस। एक डीलक्स बढ़िया से बैग में आता है ये, स्ट्रैप भी इसका अच्छा मजबूत है और एक अच्छा सॉलिड केस में गत्ते के बॉक्स में आता है, काफ़ी सॉलिड, एक एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव बॉक्स है इसका। तो ये 8,500 का आपको पड़ेगा, करीब 8x के आसपास इसकी पावर है, 8 या 10x के आसपास है, मैंने पावर ज़्यादा नोट नहीं की, लेकिन हैंड होल्डेबल है, बहुत क्लियर शार्प विजन है, एज टू एज जो आप विजन देखेंगे इससे बहुत ही शार्प है। रेटिकल फाइंडर है इसके अंदर, कंपास भी है और बैक फोर प्रिज्म वाटर प्रूफ है, इंडिविजुअल आई फोकस है, एक बार आपने फोकस किया तो इन्फिनिटी तक फोकस फ्री है ये। फिर बहुत अच्छी डील है, अगर आपको लेना है आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा पेटीएम नंबर 9899212222 और मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा अगर आपको मंगाने हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा डिसाइड करने में, बजट के अंदर, आपके बजट के अंदर ये आप बायनोकुलर्स ले सकते हैं। इसमें अगर आप ट्राइपॉड में माउंट करना चाहते हैं तो एडेप्टर भी आप मेरे से अलग से मंगा सकते हैं। अगर आपने फोटोग्राफी करनी है, आपके पास मोबाइल कैमरा है, तो ये अडेप्टर भी हमारे पास 700 रुपये का आपको मिलता है मेटल बॉडी में, ये भी आप इसी के साथ शिप करा सकते हैं। इंडिविजुअल किसी भी एक आप आईपीस में फिक्स करके यहाँ स्लाइड कर सकते हैं अपना कैमरा, तो ये माइक्रोस्कोप हो आपके पास, टेलीस्कोप हो, कहीं भी ये यूज़ हो सकता है, 700 रुपये का पड़ेगा आपको और मेटल बॉडी में है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा,
वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, उनके रिव्यूज़ पे, उनके एसेसरीज़ पे, टेलीस्कोप्स पे, बायनोकुलर्स पे, स्पॉटिंग स्कोप्स पे, हाई एंड पे, बजट पे, एडवांस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हम वीडियोस लाते रहेंगे। और आप अगर चाहते हैं कोई भी इक्विपमेंट, हमें ज़रूर कॉल कीजिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस, आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट। मैं खुद भी बर्ड वॉचर हूँ और पार्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर हूँ, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू एंड बाय। गॉड ब्लेस यू।